मेरा सपना मेरी ख्वाहिश मेरा अरमान तुझसे है, मेरा सपना मेरी ख्वाहिश मेरा अरमान तुझसे है, मेरा हर शेर हर नगमा हर एक उनवान तुझसे है, तरक्की में मेरी शामिल है सबके प्यार का जज्बा, ऐ मेरे शहर की मिट्टी मेरी पहचान तुझसे है, तरक्की में मेरी शामिल है सबके प्यार का जज्बा, ऐ मेरे शहर की मिट्टी मेरी पहचान तुझसे है। तो दोस्तों आइए आपके शहर कलमनूरी से मैं आपको हिंगोली से भी और दूर अकोला की जानिब ले जाना चाहता हूं, और अकोला से तशरीफ लाए उस मुमताज नौजवान शायर का इस्तकबाल करना चाहता हूं जिसने गजल की रिवायत यानी कि रिवायत और जदीदियत दोनों के इम्तिजाज से एक नई राह इख्तियार की है, और उस नई राह से अकोला की नुमाइंदगी पूरी उर्दू दुनिया में फरमाई। उस शायर का नामे नामी जनाब नईम फराज साहब। मैं जनाब नईम फराज को जनाब अहमद फराज के इस शेर से गुजारिश करता हूँ कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू हमसे खफा है तो जमाने के लिए आ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब नईम फराज साहब जो कि अकोला से तशरीफ लाए। हाजरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। सदर मुशायरा से इजाजत चाहता हूं और आपकी बाजौक समातों से जुड़ने की कोशिश करता हूं। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि मुझे तलब किया जाएगा। आइए आपकी जहीन समातों से जुड़ने की कोशिश करता हूं। चंद लम्हों के लिए आप मेरा साथ दीजिएगा। इस मुशायरे की सदारत अली जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब कर रहे हैं, हमारी खुश नसीबी। मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, आप मेरा साथ दीजिए ताकि इस मुशायरे में जिंदगी पैदा हो जाए। एक मतला एक शेर इस मुशायरे में जिंदगी के लिए यहां से हाजिर करता हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। पुजारी है क्या कहने, वाह, जो नफरत के नहीं है। इको कम कर, यहीं से माहौल बना दीजिएगा दोस्तों मुशायरे का। पुजारी है जो नफरत के मोहब्बत कर नहीं सकते। वाह 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 दोस्तों, सानी मिश्रा आपकी ताई चाहता हूँ। पुजारी है जो नफरत के मोहब्बत कर नहीं सकते, थोड़ा ही कोई। पुजारी है जो नफरत के मोहब्बत कर नहीं सकते, उमर फारूक सी मेरे हुकूमत कर नहीं सकते। वाह 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 वाह, फारूक सी मेरे हुकूमत कर नहीं सकते। कलम नूरी वालों, अब इस शेर में पूरे कलम नूरी की दुआएं चाहता हूं, आपकी ताईद चाहता हूं। मुबारक आपको अच्छे दिनों के खोखले वादे। वाह 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 वाह, मगर हम लोग झूठों की हिमायत कर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, पढ़िए पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़ लें, पढ़िए। वाह, बहुत शुक्रिया हजरत। मैं बस इसी तरह से चंद लम्हों के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मुबारक आपको अच्छे दिनों के खोखले वादे, मगर हम लोग झूठों की
हिमायत कर नहीं सकते। वाह। और एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूं। जहां भर में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, दिलों में हासिले सीनों में जो ईमान रखते हैं। और ये आपका शेर आ रहा है, मुझे कुछ दोस्तों ने हुक्म दिया था। वतन के वास्ते जिसने लुटा दी जान भी अपनी, हम अपनी बाम में टीपू सब सुल्तान। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। जी मैं हाजिर करता हूँ एक मरतबा मुशायरा कमेटी के लिए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और इस खूबसूरत नाज़िम के लिए भी। क्या कहने। वतन के वास्ते जिसने लुटा दी जान भी अपनी, हम अपनी कौम में टीपू सवो सुल्तान रखते हैं। और एक मतलब एक शेर से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों ये अगर शेर अगर ये मतलब कलम नूरी का हो तो आप मुझे एहसास दिलाइएगा। जिगर वाले परेशानी से मुंह मोड़ा नहीं करते। वाह वाह वाह। जिगर वाले परेशानी से मुंह मोड़ा नहीं करते। जहां पर जंग लाजिम हो वहां सोचा नहीं करते। वाह वाह वाह। वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं, वतन की आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। वाह 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 वाह। आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। बहुत शुक्रिया। जी मैं हाजिर करता हूं। वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं, वतन की आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। संतोष साहब यहाँ मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये चार मिसरे और आपके हवाले से पहुंचाना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा दोस्तों। मोहब्बत भाईचारे के ये तमगे टाकने वाले, मोहब्बत भाईचारे के ये तमगे टाकने वाले, मोहब्बत भाईचारे के ये तमगे टाकने वाले, उजाला कर नहीं सकते अंधेरे बांटने वाले। और ये आपके हवाले से शेर। हमारे गांव पर नफरत हुकूमत कर नहीं सकती, अभी कुछ लोग जिंदा है मोहब्बत बांटने वाले। वाह 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 वाह। अच्छा है भाई दही फराज। वाह अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। हमारे गांव क्या कहने। वाह इसका साउंड साउंड बराबर किया। हमारे गांव
नहीं सकती। अभी कुछ लोग जिंदा है मोहब्बत बांटने वाले। बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे गजल के लिए भी हुक्म दिया है, मैं गजल से कब दो तीन शेरों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। इरशाद मतलब यहाँ से हाजिर करता हूँ दोस्तों आपकी तवज्जो के लिए गजल से कब। यादें 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 माजी में खो गई हो क्या। तमाम मेरे हम उम्र साथियों की शिरकत चाहता हूँ। देखिएगा बिलाल साहब जी जी, कि यादें यादें माजी में खो गई हो क्या, तुम भी मुझ जैसी हो गई हो क्या। वाह, तुम भी मुझ जैसी हो गई हो क्या। गजल सुनने वालों ये शेर की भी हिफाजत कीजिएगा, कि यादें माजी में खो गई हो क्या, तुम भी मुझ जैसी हो गई हो क्या। आज मिस कॉल तक नहीं आई। वाह, यादें माजी में खो गई हो क्या, तुम भी मुझ जैसी हो गई हो क्या। आज आज मिस कॉल तक नहीं आई, मुंतजिर हूं मैं सो गई हो क्या। क्या कह रहे, वाह वाह, वाह वाह वाह। यादें माजी में खो गई हो क्या। आइए आपके लिए एक मतला हाजिर करता हूं, उसके बाद एक गजल और इजाजत दोस्तों आपसे। इरशाद है, रंजो अलम से रिश्ता वाह मेरा जोड़ कर गया। गजल की हिफाजत करने वाले जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। क्या कहने, वाह। रंजो अलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया, जालिम जरा सी बात पे दिल तोड़ कर गया। क्या कहने, जिंदाबाद, वाह। जरा सी बात पे दिल तोड़ कर आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूं। फहरिस्त बहुत तवील है, बतौर खास ये शेर की हिफाजत कीजिएगा। जो दोस्त बसमत से, पुसत से, उमरखेड़ से तशरीफ लाए हैं, जो शेर मेरी पहचान बना, डॉक्टर माजिद देवबंदी के हवाले से आप तक ये शेर पहुंचाता हूं दोस्तों। देखे तो कोई उसके तगाफुल की शोखियां, देखे तो कोई उसके तगाफुल की शोखियां, देखे तो कोई उसके तगाफुल की शोखियां, वो ख्वाब में भी आया तो मुंह मोड़ कर गया। वाह वाह वाह, वो ख्वाब में भी आया तो मोड़ कर गया। एक गजल के लिए मुझे हुक्म हुआ है, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से एक मर्तबा आप मुझे इजाजत दीजिए। बेशक, पढ़िए। नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, गजल सुन रहे हैं, गजल की हिफाजत कर रहे हैं। मैं और गजल का मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। इरशाद अली, हर एक बार वो बे असर बोलते हैं। वाह वाह, सुनिएगा दोस्तों, गजल का मतलब किसी तमीद का मोहताज नहीं आपकी तवज्जो का तालिब। बेशक बेशक, हर एक बात वो बे असर बोलते हैं। वाह, सलीका नहीं है मगर बोलते हैं। अच्छा मतलब हुआ है, वाह 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 वाह। दोस्तों तालियों से हौसला अफजाई हो, माहौल बनाइए। वाह वाह वाह, मगर बोलते हैं। वाह,
वाह 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 है मगर बोलते हैं क्या कहने। दरअसल मैं कुछ नए अशआर नई गजलें आपको सुनाना चाहता था, मगर आप आपका मूड अभी नहीं बन रहा है, इसलिए मैं भी बिल्कुल मैं चाह रहा हूं कि आपका मूड बना दो उसके बाद कुछ कहूं, मतलब हाजिर करता हूं। दोस्तों सुन के बताइएगा अभी शेर में कितनी सच्चाई है। जितने अदब नवाज जितने उर्दू के जानने वाले हैं उनकी भरपूर ताईद चाहता हूं, दाइस से भी शिरकत चाहता हूं। सुना है उन्हें भी नवाजा गया है, देखिएगा चिश्ती का। सुना है उन्हें भी नवाजा गया है, वो जो जेर को भी सबर होते हैं। क्या कहने, अच्छा है भाई, अच्छा इशारा।